हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी मनोज, यू इंग्लिश कोच। वेलकम टू लव इंग्लिश। और आज के लेसन में हम क्लास सिक्स की हनीसकल बुक की चैप्टर फाइव की समरी को डिस्कस करेंगे। एंड द नेम ऑफ चैप्टर फाइव इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, एक अलग तरह का स्कूल जो कि चैप्टर फाइव है, हम उसकी समरी को डिस्कस करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। इन दिस चैप्टर द ऑथर विजिट्स अ स्पेशल स्कूल नेम्ड मिस बीम्स स्कूल एंड शेयर्स हिज एक्सपीरियंस। इस चैप्टर में जो ऑथर हैं, लेखक हैं, वो एक स्पेशल स्कूल को विजिट करते हैं, स्पेशल स्कूल में जाते हैं, और उस स्कूल का नाम है मिस बीम्स स्कूल। और वहाँ पर जाने के बाद जो उनका एक्सपीरियंस है, वो उन्होंने शेयर किया है इस चैप्टर में। ऑथर अराइव्स एट स्कूल, जो लेखक हैं वो स्कूल में आते हैं। व्हेन द ऑथर इज ऑन द स्कूल कैंपस ही सीज अ गर्ल विथ अ बैंडेज on eyes and a small boy assisting her. He feels pity for that girl. जब लेखक स्कूल कैंपस में आते हैं तो वो एक लड़की को देखते हैं और उस लड़की की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और एक छोटा सा लड़का उसकी मदद कर रहा है, असिस्ट कर रहा है उसको। ये देखने के बाद जो ऑथर हैं वो बहुत ही ज़्यादा दया महसूस करते हैं उस लड़की के लिए। ऑथर टॉक्स टू मिस बीम, अब ऑथर हैं वो मिस बीम से बात कर रहे हैं। मिस बीम रिसीव्स द ऑथर and tells him that this school not only teaches addition, subtraction, but also thoughtfulness. Miss Beam author से मिलती हैं और उनको ये बताती हैं कि जो स्कूल है वो सिर्फ एडिशन जमा नहीं सिखाता है, खाली घटाना ही सिखाता है, बट thoughtfulness भी सिखाता है, यानी कि सोचने की कला को भी सिखाता है। She takes the author to the window. वो लेखक को खिड़की पर लेके जाती हैं and asks the author, और author से पूछती है what you see, आपको क्या दिख रहा है। author feels pity, जो लेखक है वो बहुत ही ज़्यादा दया महसूस कर रहा है बाकी लोगों को देख के वहाँ पे। the author says I see a lot of jolly children playing in the ground, क्योंकि मिस बीम ने author से पूछा कि आप क्या देखते हैं, तो वो बोल रहे हैं I see a lot of jolly children, में बहुत सारा खुशी जो चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ ग्राउंड में खेलते हुए। बट ही फील्स पिटी एज दी चिल्ड्रन आर नॉट सो हेल्थी, पर वो बहुत ज़्यादा दया महसूस करते हैं, पिटी महसूस करते हैं। वो पिटी इसलिए महसूस कर रहे हैं क्योंकि जो बहुत सारे बच्चे हैं वो उनके हिसाब से हेल्थी यानी कि स्वस्थ नहीं है। और वो ये बता रहे हैं मिस बीम को वन गर्ल आई मेट इन द कैंपस इज ब्लाइंड, मैं एक लड़की से मिला कैंपस में, वो क्या थी, अंधी थी। And now I see two more with the same disability. और अब मैं दो और लड़कियों को देख रहा हूँ उसी तरह की disability के कारण। disability का मतलब है अपंगता। अगर कोई भी person देख नहीं सकता है या सुन नहीं सकता है या चल नहीं सकता है तो हम उसे बोलेंगे वो disabled है। One girl is with crutches watching other playing. तो वो ये भी बोल रहे हैं कि एक लड़की है जो कि बैसाखी के सहारे चल रही है। बैसाखी को क्या बोलते हैं, crutches, जो कि चल रही है और वो बाकी बच्चों को खेलते हुए भी देख रही है। ये सब देख के ऑथर कैसे महसूस कर रहे हैं, पिटी महसूस कर रहे हैं। पिटी का मतलब होता है बहुत दया महसूस करना किसी के लिए। मिस बीम लाफ्स, जो मिस बीम है वो बहुत हंसती हैं। मिस बीम सेज नो दे आर नॉट लेम, दे आर जस्ट डूइंग देयर स्केड्यूल्ड रोल्स। मिस बीम बोल रही है कि वो असहाय नहीं है, वो अपंग नहीं है, वो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। दे आर जस्ट डूइंग दे स्केड्यूल्ड रोल, स्केड्यूल का मतलब सुनियोजित तरीके से, ये काम बच्चों को कहा गया करने के लिए, वो असल में असहाय बिल्कुल भी नहीं है। मिस बीम और बता रही हैं वी टीच देम हाउ डिफिकल्ट इट इज इफ समवन हैज अ मिसफॉर्चून। मिस बीम ऑथर को ये बता रहे हैं कि हम बच्चों को ये भी सिखाते कि ये कितना मुश्किल है अगर किसी के साथ कुछ बुरा हो जाए लाइफ में, तो हमें बच्चों को हम ये भी सिखाते हैं। ये सिखाने से क्या होगा, बाय दिस दे लर्न टू टेक केयर ऑफ दिस डिसेबल्ड पर्सन। हम उनको ये इसलिए सिखाते हैं ताकि वो डिसेबल्ड, जो असली में जो डिसेबल है, असहाय हैं, जो अपंग लोग हैं, वो उनकी भी देखभाल अच्छे से कर सकें। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड डे, वन डेफ डे, वन डम डे एंड वन इंजर्ड डे। और वो ये भी बता रहे हैं कि हर टर्म में, जैसे हमारे फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म होते हैं, उसी तरह से हर टर्म में हर एक बच्चे को एक दिन के लिए ब्लाइंड रहना पड़ता है, एक दिन के लिए डेफ यानी कि बहरा रहना पड़ता है, एक्टिंग करनी पड़ती है।
और एक दिन के लिए डम का रोल निभाना पड़ता है और एक दिन इंजर्ड डे के लिए, ताकि जो बच्चे हैं जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, वो जो डिसेबल लोग क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं वो उनको समझ आ पाए और वो उनके अच्छी तरह से टेक केयर कर पाएँ। इफ समवन इज ब्लाइंड अदर चिल्ड्रन हेल्प हिम, इफ समवन इज विद क्रचेस अदर चिल्ड्रन असिस्ट हिम इन वॉकिंग एंड सो ऑन। मिस मैम ये बता रही है कि अगर कोई ब्लाइंड है तो बाकी दूसरे बच्चे उसकी मदद करते हैं, अगर कोई बैसाखी पे है तो बाकी लोग भी उसकी चलने में मदद करते हैं, तो इस तरह से एक दूसरे की बच्चे हेल्प कर रहे हैं उनकी लाइफ को सुधारने के लिए। मिस बीम टेक्स द ऑथर टू अ बैंडेज गर्ल एंड सेज टू द गर्ल, हियर इज अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू। अब मिस्टर बीम मिस बीम सॉरी ऑथर को, जो लेखक है उस उनको कहाँ लेके जाते, एक बैंडेज गर्ल, एंड बैंडेज गर्ल इनकी एक लड़की है और जिसके आँख पे पट्टी बंधी हुई है, के पास लेके जाते हैं और उस लड़की से बोलते हैं कि यहाँ पे एक सज्जन पुरुष आए, एक जेंटलमैन आए हैं आपसे बात करने के लिए। तो अब लेखक उस लड़की के सामने खड़े हैं और उनसे बात कर रहे हैं। बैंडेज गर्ल एंड दी ऑथर, जो पट्टी वाली लड़की और जो लेखक है उनके बीच की बातें हम देखते क्या है, क्या हो रहा है यहाँ पे। द ऑथर आस्क्स द गर्ल, जो लेखक है वो उस लड़की से पूछते हैं, डोंट यू पीप, क्या आप झांक नहीं रहे हो, क्योंकि उनकी आंख पे पट्टी बंधी हुई है और लेखक जानना चाहता है कि वो कहीं नीचे से या फिर कहीं किसी भी तरह से झांक तो नहीं रहे हैं। द गर्ल सेज ओ नो, लड़की कहती है ओ बिल्कुल भी नहीं, दैट विल बी चीटिंग, वो तो धोखा देना हो जाएगा। शी स्टार्ट्स टेलिंग हाउ ऑफुल इट फील्स टू बी ब्लाइंड, और वो ये बता रही है कि ये ब्लाइंड होना कितना बेकार है, एंड हाउ मच शी फियर्स ऑफ अ मिसहैप फ्रॉम नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, और वो ये भी बता रही है कि उसको डर लगा रहता है कि कहीं कोई दुर्घटना हो गई और मैं अंधी ना हो जाऊँ। शी आस्क्स द ऑथर टू गो फॉर अ वॉक, और वो ऑथर को बोलती वॉक लेने के लिए, चलने के लिए बोलती हैं। वॉक ऑफ द ऑथर विद द गर्ल, अब वो उस लड़की के साथ चल रहे हैं। द ऑथर नैरेट्स वट ही सीज, जो लेखक हैं वो कहानी बता रहे हैं, जो भी दिख रहा है लेखक को वो उनको कहानी बता रहे हैं। ही टेल्स द गर्ल दैट मिस बीम कम्स विद अ टॉल गर्ल, और वो उस लड़की को बता रहे हैं कि जो मिस बीम है वो एक लड़की के, एक लंबी सी लड़की के साथ आ रहे हैं। द बैंडेज गर्ल आस्क्स अबाउट द कलर ऑफ हर क्लोथ, और फिर उस लड़की ने पूछा कि जो मिस बीम जिस लड़की के साथ आ रही हैं उसके कपड़े का कलर क्या है, रंग क्या है। शी कंक्लूड्स दैट शी इज मिली द हेड गर्ल, और फिर वो ये निष्कर्ष पे आती है कि जो वो लड़की है जिनके साथ मिस बीम आ रही है वो मिली है इस स्कूल की हेड गर्ल। द ऑथर सेज देर इज एन ओल्ड मैन टाइंग द रोजेस, द गर्ल रिप्लाइज शी मस्ट बी द गार्डनर, फिर ऑथर बोल रहे हैं कि एक ओल्ड मैन है और वो जो गुलाब है उनको बांध रही हैं, तो लड़की बोल रही कि वो पक्का वो माली होंगे। द ऑथर टेल्स द गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर इज कमिंग टूवर्ड अस विथ क्रचेस, द गर्ल रिप्लाइज शी इज अनीता, फिर लेखक लड़की को बोलते हैं कि एक घुंघराले बाल वाली एक लड़की उनकी तरफ आ रही है और जो कि क्रचेस पे हैं, जो कि बैसाखी पर हैं। लड़की बोलती है वो अनीता है। दिस वे दे टॉक्ड ऑन वाइल वॉकिंग, और इस तरह वो थोड़ी देर चलते रहे और बात करते रहे। द ऑथर वॉज मोर देन थॉटफुल एवर, और जो लेखक थे वो बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गए, क्योंकि वो इससे पहले इस तरह के स्कूल, किसी भी स्कूल के बारे में ना तो उन्होंने सुना था ना वो गए थे, तो ये स्कूल के बाद वो बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गए कि सच्ची में क्या ऐसा स्कूल भी हो सकता है, और इसलिए इस लेसन का नाम है स्पेशल काइंड ऑफ स्कूल। सो दैट्स ऑल इन टुडेज लेसन, ऐसे ही ऑल लेसन्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। आज का लेसन अगर आपने इन्जॉय किया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें नॉलेज अपने फ्रेंड्स के साथ, कॉमेंट सेक्शन में आप मुझे अपने फीडबैक दीजिए। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग लेसन्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश।